हेलो एवरीवन, हमारा आज का जो टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है भारतीय प्रवासी दिवस 2021। हाल ही में इसका आयोजन किया गया है, तो आज की क्लास में हम इसी से जुड़ी कुछ बातें जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे हमारा आज का टॉपिक प्रवासी भारतीय दिवस 2021। NRI डे बोला जाता है इसको इंग्लिश में। ओके, अब क्यों न्यूज़ में है ये? न्यूज़ में इसलिए है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है 9 जनवरी 2021 को। 9 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस का इनॉग्रेशन किया था। 9 जनवरी को ये मनाया गया। ठीक है, इसलिए 9 जनवरी को ये मनाया गया है, इसलिए ये खबरों में है और हम इसके बारे में यहाँ पे इसीलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है कि इसको प्रवासी भारतीय दिवस को क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है इसको 2 सालों में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसको 2003 से शुरू किया गया था। 2003 से 2015 तक इसको हर वर्ष मनाया गया, हर वर्ष इसको मनाया गया, पर 2015 के बाद से डिसाइड किया गया कि इसको 2 वर्ष में एक बार मनाया जाएगा। ठीक है, तो 2015 के बाद इसको 2017 में मनाया गया, फिर 2019 में और अब 2021 में। याद रखेंगे कब से शुरू हुआ था, 2003 से। पहले क्या प्रोविजन था कि इसको प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा, उसके बाद 2015 से क्या चेंज आ गया इसमें, 2015 से इसको 2 साल में एक बार मनाया जाएगा। ठीक है, क्यों मनाया जाता है ये? अब बहुत से ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो दूसरे देशों में जाके बस गए हैं या फिर किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए वो दूसरे देशों में जाके रहते हैं। ऐसे लोगों के सम्मान करने के लिए, उनका जो कंट्रीब्यूशन है भारत देश में उसको उस मॉनिटर करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे, टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन रेजिडेंशियल इंडियन कम्युनिटी, जो भारत के विकास में ये लोग जो अपना योगदान देते हैं उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय, ये प्रवासी भारतीय दिवस जो है इसको मनाया जाता है। कब शुरू हुआ था, 2003 में। ठीक है, अब 9 जनवरी ही क्यों डेट चुनी गई? 9 जनवरी, 9 जनवरी डेट इसलिए चुनी गई कि एक बहुत महान, हमारे बहुत ही महान हमारे एक लीडर थे जिनको कुछ समय वो साउथ अफ्रीका जाके रहे थे और वहाँ से वापस आए थे, वो 9 जनवरी 1915 में। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी लौटे थे भारत, और इन्हीं के इस डेट को ध्यान में रखते हुए जो NRI डे है वो मनाया जाता है। ठीक है, 1893 के बाद से महात्मा गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका जाके रहे, और उसके बाद जब वो वापस आए, परमानेंट रूप से इंडिया वापस आए, तो उनकी जो डेट थी वो थी 9 जनवरी 1915। उसी को ध्यान में रखते हुए NRI डे मनाया जाता है 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में हम यहाँ पे कुछ जानेंगे, कैसे वो साउथ अफ्रीका में जब रहे तो वहाँ उन्होंने क्या किया, क्या क्या मुख्य बातें थी जो हमको जाननी चाहिए, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब सवाल उठता है, महात्मा गांधी भारत के नागरिक थे और वो साउथ अफ्रीका गए। ठीक है, कब गए? 1893 में। गए क्यों गए? एक वहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे जिनका नाम है दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला को एक वकील की ज़रूरत थी उनके चचेरे भाई के लिए, इसलिए उनके लॉयर बन के महात्मा गांधी 1893 में भारत से साउथ अफ्रीका गए। अब सबको पता है कि जब वो इंडिया से साउथ अफ्रीका की एक साउथ अफ्रीका के सफ़र में ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, तो एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में वो बैठे थे, तो वहाँ से उनको ट्रेन में से बाहर निकाल दिया गया, उनका सामान फेंक दिया गया, क्योंकि वो एक इंडियन ओरिजिन के थे और साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा ऐसी नस्ल भेदी चीज़ें हुआ करती थी उस टाइम पे,
गोरे काले का भेद हुआ करता था बहुत ज़्यादा, और इंडियंस के साथ सेम भी बुरा बर्ताव किया जाता था, इसी के लिए उनको उस ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। ये चीज़ें गांधी जी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करी, और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अंदर सोचा कि वो उसके प्रति कुछ काम करेंगे, चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको जितना वो पॉजिटिवली चेंज कर सके उतना करेंगे उसको, ठीक है। अब जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो उन्होंने वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएशन फेस किया, अपमान फेस किया, ठीक है। जगह 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 पे उनको अपने साथ कुछ भेदभाव वो उनको सहना पड़ता था। किस वजह से? क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा भेदभाव किया करते थे काले लोगों के प्रति और भारतीय लोगों के प्रति, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू किया। ये जो सारी नस्ल भेदी चीज़ें जो होती हैं इसके अगेंस्ट महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया। कब से? 1894 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। 1893 में वो गए और थोड़े ही समय के पश्चात उन्होंने वहाँ पे ये जितनी भी नस्ल भेदी चीज़ें हुआ करती थी या फिर भारतीयों के प्रति वहाँ पे जो बर्ताव हुआ करता था उसके अगेंस्ट उन्होंने अपनी आवाज़ उठानी शुरू की और प्रॉपर एक प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अब कुछ और बातें जो साउथ अफ्रीका से रिलेट करती है महात्मा गांधी को, वो वहाँ पे उन्होंने एक फिनिक्स फार्म का एस्टेब्लिशमेंट किया था, ठीक है। और ये फिनिक्स फार्म इसलिए जाना जाता है, यहीं से माना जाता है जो महात्मा गांधी का सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया था सत्याग्रह, उसकी जो जन्म स्थान माना जाता है, सत्याग्रह का जन्म स्थान इस फिनिक्स फार्म को ही माना जाता है। ये अफ्रीका में डर्बन के पास हुआ करता था, ठीक है। इसी को बोला जाता है सत्याग्रह का जन्म स्थान। सत्याग्रह क्या होता है? महात्मा जी का मानना था अगर आप सत्य के साथ खड़े हुए हैं तो आप अपनी बात पे डटे रहिए और प्यार से अपने सत्य को पाने के लिए, आपके जो भी अधिकार हैं उनको पाने के लिए आग्रह कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए। आपको विरोध अगर करना है तो आप बिना कोई हिंसा किए भी कर सकते हैं, आराम से सत्य के लिए आप आग्रह कीजिए, ये उनका मानना था। और सबसे पहले सत्याग्रह को जो जन्म स्थान माना जाता है वो डर्बन का फिनिक्स फार्म बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ये आइडिया, उन्होंने यहाँ पे सत्याग्रह का आइडिया उन्होंने दे दिया। इसके बाद एक फार्म और उन्होंने एस्टेब्लिश किया था जिसको बोला जाता है टॉलस्टॉय फार्म अफ्रीका में। यहाँ से सत्याग्रह जो था वो ऑफिशियली एक हथियार के रूप में उभरा, प्रोटेस्ट करने का, विरोध करने का हथियार बन गया था सत्याग्रह, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी जो साउथ अफ्रीका में मानी जाती है जो सेटअप किए महात्मा गांधी ने, ठीक है। इसके बाद लगभग 22 वर्ष 22 ईयर्स अफ्रीका में रहने के बाद उनको इंडिया बुलाया किसने? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक बहुत जाने माने नेता थे उस समय, और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु भी कहा जाता है, ठीक है। इनको महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है। इन्हीं के कहने पे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे, किस लिए? इंडियन नेशनल मूवमेंट जो चलाया जा रहा था इंडिया में कि अंग्रेजों के अगेंस्ट जो भारत में आंदोलन चल रहा था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उसमें हिस्सा लेने के लिए महात्मा गांधी को गोपाल कृष्ण गोखले ने साउथ अफ्रीका से भारत बुलवाया। अब ये कुछ बातें थी महात्मा गांधी से जुड़ी। अब हम जानेंगे जो हम टॉपिक आज की डेट में हम पढ़ रहे हैं, हमारा प्रवासी भारतीय दिवस, उसका जो सेलिब्रेशन हुआ है 2021 में, उसके बारे में आज हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले कौन सा मंत्रालय है जो ये इसका NRI Day को होस्ट करता है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसको बोला जाता है विदेश मंत्रालय, ठीक है। ये मिनिस्ट्री है जो होस्ट करती है इस वाले इवेंट को, ठीक है। अब हर साल इस भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस को एक थीम दी जाती है, ठीक है। तो जो 2021 की थीम थी, याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। सबको पता है लॉकडाउन के ड्यूरेशन में हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने जब वो देश के नाम संदेश दिया करते थे तो उन्होंने एक आइडिया दिया था अपना आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर का भारत है, हम बहुत ज़्यादा जो विदेशी चीज़ों पे या विदेशी
कारोबार पे डिपेंड, ऐसा नहीं कि सब चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी, पर आप जितना आप अगर थोड़ा थोड़ा स्विच कर सकते हैं, आप भारत की इतनी कैपेसिटी है कि वो खुद के ग्रोथ में हेल्प कर सकता है, तो आप वो कीजिए। ये आइडिया हमको दिया हमारे प्रधानमंत्री ने, और इसी के बेस पे 2021 की थीम रखी गई, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है, अब ये जो मनाया गया था इस साल, जो मनाया गया है प्रवासी दिवस, ये एक वर्चुअल मीटिंग के थ्रू मनाया गया है, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से गैदरिंग इकट्ठी बहुत ज़्यादा नहीं हो सके, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही मोदी जो है, नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया और वैसे ही ये मनाया गया। तो इसको तीन हिस्सों में बांट के बनाया गया, तीन फेजेस में बांट के जो प्रवासी भारतीय दिवस था उसको मनाया गया। ठीक है, क्या तीन सेगमेंट्स थे? सबसे पहले जो सेशन कहलाता है वो कहलाता है इनॉग्रल सेशन, उद्घाटन सत्र जिसको बोलते हैं। ये फर्स्ट इवेंट है इस वाले आयोजन का। इसमें क्या होता है, इसमें प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले इसका इनॉग्रेशन किया, इसका उद्घाटन किया। ठीक है, और उन्होंने अपनी एक स्पीच दी इसमें। ठीक है, अब उसी के साथ हर साल क्या होता है, जब भी ये मनाया जाता है, अभी तो 2 साल के गैप में हो गया, जब NRI डे हम मनाते हैं तो एक चीफ गेस्ट को इनवाइट किया जाता है। इस साल जो चीफ गेस्ट हमारे इनवाइट किए गए हैं वो हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कौन है ये? ये सूरीनाम के प्रेसिडेंट है। सूरीनाम एक छोटा सा देश हम इसको कह सकते हैं, साउथ अमेरिका में नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है। ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति इस साल हमारे भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि रहे हैं। ठीक है, और इनॉग्रल सेशन में ही प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच के बाद इन्होंने भी इस वाले आयोजन को एड्रेस किया है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा सेशन होता है उसको बोलते हैं वर्चुअल प्लेनरी सेशन। ठीक है, वर्चुअली प्लेनरी सेशन में क्या होता है, एक डिस्कशन होता है, जो लोग हैं जो इंडिया के जो बाहर जाके बस चुके हैं वो आपस में अपने आइडियाज़ हमारे साथ एक्सचेंज करते हैं, जिन लोगों को इनवाइट किया जाता है। ठीक है, तो अब इस बार जो डिस्कशन हुआ उसमें दो टॉपिक थे जिन पे बेसिकली डिस्कशन किया गया। पहला, रोल ऑफ डायस्पोरा इन आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के आइडिया को बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए, ये जो डायस्पोरा का मतलब क्या होता है, डायस्पोरा का मतलब होता है जो भारतीय मूल के निवासी हैं और वो विदेशों में जाके बस गए हैं, उस पूरी जेनेरिक टर्म को, बस गए इन द सेंस वहाँ जाके वो फाइनेंशियल एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, पैसा कमा रहे हैं, थोड़े टाइम बाद वो वापस आ जाएंगे, या फिर वो परमानेंटली वहाँ किसी और देश की सिटीजनशिप लेके सेटल भी हो गए हैं, कहीं ना कहीं वो कल्चरली या जेनेटिकली इंडिया से जुड़े गए हैं, तो इस पूरे जनसंख्या को एक इंडियन डायस्पोरा के नाम से जाना जाता है। तो जो टॉपिक पे डिस्कशन किया गया वो पहला टॉपिक था रोल ऑफ डायस्पोरा इन आत्मनिर्भर भारत, और जो दूसरा टॉपिक था वो था फेसिंग पोस्ट कोविड चैलेंजेस। जैसे अभी सबको दिख रहा है कोरोना के जाने के दिन आ गए हैं, उसके दिन पूरे हो चुके हैं, धीरे धीरे कोरोना चला जाएगा, तो अब जो टाइम आएगा वो पोस्ट कोविड कहलाएगा, कोरोना के बाद वाला टाइम। ठीक है, उसके बाद जो हमारे जो हमको समस्याएं, जो चैलेंजेस है वो हमको फेस करने हैं, उसके बारे में किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, हेल्थ, इकोनॉमी, सोशल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये दो टॉपिक थे। एक चीज़ जो यहाँ पे रह गई है वो है एक क्विज होता है ऑनलाइन, भारत को जानिए क्विज, जिसका रिलेशन सीधा सीधा NRI डे को मनाने के लिए किया जाता है। NRI डे के उपलक्ष्य में ये क्विज जो है ये किया जाता है ऑनलाइन। ठीक है, तो जो पहला सेगमेंट होता है, जो पहला सेशन होता है, उसी सेशन में इनके विनर्स को अनाउंस किया जाता है। ठीक है, 15 विनर्स रहे हैं इस साल। ठीक है, और कोरोना के बाद इन 15 विनर्स को भारत दर्शन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो पहले उसमें क्या क्या, पहले सेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, पहले सेशन में प्रधानमंत्री मोदी अपना भाषण देते हैं और जो चीफ गेस्ट रहते हैं वो संबोधित करते हैं आयोजन को, और जो ऑनलाइन क्विज होता है उसके विनर्स के नाम को घोषित किया जाता है। ठीक है, दूसरे सेक्शन में क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जो इंडियन डायस्पोरा से बिलोंग करते हैं वो एक डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन के टॉपिक इस बार दो थे, रोल ऑफ डायस्पोरा, ठीक है, और दूसरा रोल ऑफ डायस्पोरा इन आत्मनिर्भर भारत, और दूसरा फेसिंग पोस्ट कोविड चैलेंजेस सिनेरियो इन हेल्थ, इकोनॉमी, सोशल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, हिंदी में अगर हम देखें, आत्मनिर्भर भारत में डायस्पोरा की भूमिका, पहला टॉपिक, और दूसरा
सेम फेसिंग पोस्ट कोविड चुनौतियां, जो भी चैलेंजेस है, किस किस में? स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में। ठीक है, अब तीसरा सेगमेंट जो होता है इस आयोजन का, तीसरे सेगमेंट में हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो इस आयोजन को संबोधित करते हैं, वो एक अपनी स्पीच देते हैं। ठीक है, जिसको बोला जाता है वैलेडिक्टरी सेशन। ठीक है, इसमें जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो संबोधित करते हैं इस वाले आयोजन को। ठीक है, और तीसरे ही सेशन में एक सम्मान दिया जाता है, एक अवार्ड दिया जाता है, जिसको बोलते हैं प्रवासी भारतीय सम्मान। ठीक है, ये प्रवासी भारतीयों को दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान बोला जाता है, और ये दिया जाता है उन लोगों को जिन्होंने, जो बाहर रहते हैं NRIs, उन्होंने योगदान दिया है भारत के डेवलपमेंट में। ठीक है, इस साल ये अवार्ड कुछ 30 लोगों को दिया गया है। ठीक है, किस लिए दिया जाता है? उनका सम्मान करने के लिए, जो उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है भारत में और बाहर भी अलग अलग फील्ड में। ठीक है, समझ आ गया आपको? तीन सेक्शंस में बटा होता है ये वाला आयोजन। सबसे पहले प्रधानमंत्री और चीफ गेस्ट इसमें अपना स्पीच देते हैं आयोजन को ध्यान में रखते हुए। फिर जो क्विज होता है ऑनलाइन, भारत को जानिए, उसके विनर्स अनाउंस किए जाते हैं। दूसरे सेक्शन में एक डिस्कशन होता है, टॉपिक्स मैंने आपको बताए। और थर्ड सेक्शन में राष्ट्रपति जो हैं वो संबोधित करते हैं आयोजन को, और उसके साथ साथ ये सम्मान, एक बहुत बड़ा सम्मान प्रवासियों को दिया जाने वाला प्रवासी भारतीय सम्मान, वो दिया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब ये जो लोग हैं, जो प्रवासी हैं, जो भारत से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है, अब सडन से 2003 से एक पूरा दिवस हमने इनके नाम लिख दिया। NRI डे बोलते हैं जिसको हिंदी में, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे। ठीक है, पूरा नाम हमने 9 जनवरी इनको दे दिया। तो सोचिए क्या भूमिका रहती होगी इनके भारत के लिए, कितनी ज़्यादा भूमिका है, कितना इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं इंडिया के लिए, कैसे करते हैं? ठीक है, देखो, सबसे पहले इंडियन डायस्पोरा मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये वही लोग हैं जो इंडिया से बाहर जाके अब माइग्रेट हो गए हैं, कहीं और जाके रहने लगे हैं, जो पहले इंडिया का जितना भी रीजन है उसके बाहर जो रहते हैं। ठीक है, अब ये जो कैटेगरी है इसको बेसिकली तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन NRIs, हम जिनको बोलते हैं। ठीक है, ये कौन होते हैं? जो 180 डेज से कम, एक फाइनेंशियल ईयर का बता रही हूँ, जो कि 180 डेज से कम इंडिया के अंदर रहे हैं, और इससे ज़्यादा समय के लिए वो इंडिया से बाहर रहे हैं किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी को करने के लिए। बाहर इतने समय के लिए कोई जा रहा है, फैमिली के साथ जाए, एक पर्टिकुलर सिंगल आदमी की बात नहीं हो रही है। अगर एक आदमी घर का अगर मुख्य सदस्य भी कमाने गया है, बाकी फैमिली उसके साथ गई है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगी। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो 182 दिन से एक फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन से कम दिनों के लिए भारत में रहे हैं, बाकी वो विदेश में रहे, वो NRI की बात होती है। ठीक है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनका अब वो भारत के नागरिक नहीं है, इनके पास दूसरे देशों की सिटीजनशिप है, इनके पास दूसरे देशों की सिटीजनशिप है, नागरिकता इनके पास भारत की नहीं है, पर कहीं ना कहीं इनकी जो रूट्स हैं वो भारत में जुड़ी हैं। आइदर इनके पेरेंट्स इंडिया से बिलोंग करते हों, और इनके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया से बिलोंग करते हों, ठीक है, या फिर इनका जन्म यहाँ पे हुआ हो, कैसे भी, फिर बाद में जाके इन्होंने किसी और देश की नागरिकता ले ली। ठीक है, ऐसे ही आते हैं ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। 2015 के बाद से इन दोनों, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, को एक ही OCI कैटेगरी में माना जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप भारत से जुड़े हुए तो हैं, पर आपके पास भारत में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल राइट नहीं है। ठीक है, आप अगर चाहें, आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, पर आप चाहें तो आप लाइफ लॉन्ग वीज़ा पे, जब तक आप चाहें, लाइफ लॉन्ग वीज़ा आपको भारत के लिए मिल सकता है। और इसके अलावा कुछ और फेवर्स होते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट इनके लिए करती है। ठीक है,
इन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। याद रखिएगा, इनके पास किसी भी दिए ओसीआर सिटीजन्स जो होते हैं, इनके पास किसी भी तरह का कोई राइट नहीं है। ये वोट नहीं दे सकते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट इनके पास नहीं होता है, और साथ ही साथ इलेक्शन वगैरह कंटेस्ट भी नहीं कर सकते। पर हाँ, ये यहाँ पे इनका स्कोप ओपन जनरली रहता है, जो फॉरनर्स होते हैं उनसे ज़्यादा प्रोविजन्स इनको भारत में मिले हैं। ये लाइफ लॉन्ग वीज़ा इनको मिल सकता है, इसके लिए इनको कोई पुलिस रिपोर्टिंग वगैरह करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। हम क्या देख रहे थे कि इन लोगों की भारत में क्या महत्व है। ठीक है, अब ये जो है हमारे, ये जो NRI जो हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इनकम जनरेट करते हैं भारत के लिए। ठीक है, रेमिटेंसेस बोला जाता है जिसको इंग्लिश में, बहुत ही ज़्यादा जनरेट करते हैं भारत के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। ठीक है, और इसीलिए इससे भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो भी वित्तीय वृद्धि जिसको बोलते हैं फिस्कल ग्रोथ, उसमें इजाफा होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बाहर जाके अपने देश में पैसा भेजते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इकोनॉमी के बात के हिसाब से, इकोनॉमी में। इसके अलावा आपने देखा होगा कहीं कहीं जो भारतीय लोग हैं वो बहुत ऊँची ऊँची पोस्ट पर विदेशों में भी बने होते हैं, गूगल का CEO हो गए जैसे, और बाकी कई देशों में तो बहुत से भारत के जो मूल निवासी हुआ करते थे एक टाइम पे, बहुत देशों के पॉलिटिकल पोस्ट भी हायर करते हैं। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इकोनॉमिकली वैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर कहीं ना कहीं भारत का जो कल्चर है उसको आगे जाके रिप्रेजेंट ये लोग कर रहे हैं। इसी तरह हम बोल सकते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं इंडिया का जो इंटरेस्ट है दूसरे देशों में अधिकतर फील्ड्स में, जैसे कि कल्चर, एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताया अभी आपको, और हेल्थ और आर्ट्स, किसी भी कला के रूप में हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अब देखो, एक जो अब कोई इंडिया का अगर नागरिक हुआ करता था, वो बाहर जाके बस गया, उसने वहाँ जाके बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। ठीक है, और इमोशनली वो अपने देश से, उसकी रूट्स जुड़ी हुई हैं, तो वो क्या करेगा अपने देश में, अगर उसके पास पैसा है तो वो कुछ इन्वेस्टमेंट भी करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, कुछ पैसा अपने देश में निवेश करेगा, इससे इवेंचुअली हमारी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगा, तो ये लोग भी वो करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर किसी और देश में एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है भारतीय की, भारतीय जनसंख्या की, जो मूल रूप से भारत से जुड़े हों, वो वहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो को भी थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है, अब जैसे हम इंडिया की ही बात कर लें, कोई फैमिली है, कोई आदमी है जो शहर में आके बस गया, तो उसकी रूट्स उसके गाँव से जुड़ी हैं, वो कहीं ना कहीं ये सोचेगा अगर मेरे पास कुछ पैसा है तो मैं अपने गाँव के लिए कुछ करता हूँ। ऐसे ही कोई है अगर निवासी है भारत का हुआ करता था, वो US में जाके बस गया है, तो वो सोचेगा मेरे पास अगर कुछ पैसा है तो मैं अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करता हूँ, तो वो क्या करते हैं, डोनेशन देते हैं और चैरिटी वगैरह करते हैं। ठीक है, परिवार सहित या अपने दो विदेशी दोस्तों को आप घूमने लेके आएंगे, तो यहाँ से इंडिया का जो टूरिज़्म सेक्टर है उसको भी फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है इन NRI लोगों से। ठीक है, उसके अलावा इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, उसको जब इंडिया कोई अपनी नीति तैयार करता है विदेशों के लिए, तो उसको अपने दिमाग में ये बात ज़रूर रखता है कि भारत के इतने निवासी वहाँ पे बसे हुए हैं, और अगर कुछ करना कर सकते हैं उनके लिए तो बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से पता चल जाता है कि कौन सा देश है जो हमारे नागरिकों के साथ अच्छे से पेश आ रहा है, कौन सा देश है जो अच्छे से पेश नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं अपनी नीति तैयार करने में, अपनी विदेश नीति तैयार करने में। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, प्रवासी भारतीय दिवस, NRI जिसको बोला जाता है, जिसका आयोजन 9 जनवरी को किया गया। इससे इम्पॉर्टेंट जुड़ी बातें मैंने आपको कुछ बताई हैं, जैसे कि क्या क्यों मनाया जाता है, महात्मा गांधी के बारे में आपको बताया गया, NRI लोगों की इम्पोर्टेंस बताई गई इंडिया के लिए, और आयोजन किस प्रकार से 3 हिस्सों में बांट के आयोजित किया गया ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।